अपने आज़ादी के 76 ईयर में इंटर हुआ है, अमृतकाल इसको बोलते हैं। समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है दिव्यांग, और समाज का जो सबसे मजबूत वर्ग है हमारी सेना, NSG, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, ये सारे लोग देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक साथ आए। समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है कहीं ना कहीं अपने जीवन से लेकर अपने अंत तक उसी तरीके की कठिनाइयों को फेस करता है जैसे हमारे सेना के जवान -40 डिग्री टेम्परेचर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से लेके 50 डिग्री के टेम्परेचर तक काम करती है। और हम लोग एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे, एक सम्मान देना चाहते थे हमारे सारे सेनाओं को, इसलिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जो कि 2 किलोमीटर का था, जिसमें NSG, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, CISF इसके लोग सम्मिलित हुए, और मैं सारे दिव्यांग, सारे सेना के लोग, उनके अधिकारी ऑफिसर सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से इसका सफल आयोजन हुआ। और इस कोई भी कार्यक्रम को करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत लगती है, तो इसमें हम लोगों को सिडबी, यूनियन बैंक, गॉर्जियो प्रोफेशनल, CE D2D कुरियर, इन लोगों ने सपोर्ट किया जिस कारण से इसका सफल आयोजन हुआ। देखिए, चाहे वो 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, 26/11 हो, कारगिल की जंग हो, अगर भारतीय सेना नहीं होती, अगर NSG नहीं होता, तो सोचिए 26/11 को और क्या हो सकता था। हर सेना अपने ताकत के अनुसार काम करती है, बट जिस तरीके से बॉर्डर से लेके समंदर के अंदर से लेके बर्फ़ के अंदर, पानी के अंदर, हर जगह हमारी सेना जो है जिस तरीके का पराक्रम दिखाती है, जिस तरीके की अपनी शौर्य दिखाती है, उनको हम सारे सिविलियन 140 करोड़ लोगों के साथ ट्रिब्यूट देने का एक प्रयास था। और इसका मकसद यही है कि सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, सेना जिस तरीके से काम करती है उसका मोराल बूस्ट करना हम सारे सिविलियन और नागरिक का काम है। और इसी के तहत हम लोगों ने आज 14 अगस्त को आज़ादी के अमृतकाल के दिन सेना और जितने तरीके के फोर्सेज हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा की। 76 साल हो गए, आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप, और क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आर्मी को जिस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार जो चीज़ कर रही है, खैर वो सरकार की बात है, बट मैं यही चाहता हूँ कि हमारी सेना जहाँ भी रहे वो हमेशा नंबर 1 रहे, और उन सारे लोगों का मोराल बूस्ट हमारे जैसे सिविलियन मिलके करते रहे। जय हिंद।